हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा और आप सभी का वेलकम है आपके ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ 10 इंग्लिश के वर्ड जिन्हें सीख के आप अपनी बोलने के लैंग्वेज को बना सकते हो और भी ज़्यादा स्मार्ट। यानी फ्रेंड्स, आपको इसके लिए इंग्लिश सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपनी ही लैंग्वेज में बात कीजिए, लेकिन बस इन वर्ड्स को ऐड कर दीजिए और बोलने के अपने ढंग को बना लीजिए और भी ज़्यादा स्मार्ट। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में होगा बेल आइकन का बटन, उसे प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला वर्ड है एट लीस्ट। तो फ्रेंड्स, एट लीस्ट आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, इसका मतलब होता है कम से कम। तो फ्रेंड्स, हम लोग इसको अपनी डेली लाइफ में इस तरह यूज करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कि एट लीस्ट तुम मुझे मैसेज ही कर देते, एट लीस्ट तुम मुझे कॉल ही कर देते, यानी कम से कम तुम मुझे मैसेज कर सकते थे या कम से कम तुम मुझे कॉल कर सकते थे। अब ये एक इमेज में आप देख सकते हैं कि एक फादर अपने बेटे को इसलिए डांट रहा है क्योंकि वो 10 में से 0 नंबर पाया है। तो फादर कह रहा है कि 10 में से 10 ना लाते, एट लीस्ट तुम 1-2 नंबर ला के अपना अकाउंट तो खोल लेते। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को एट लीस्ट का मतलब अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आई नो। आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ या मैं जानती हूँ या मुझे पता है। तो फ्रेंड्स, इसको आप लोग इस तरह से यूज करते हो कर सकते हो, मतलब आई नो हमारा देश महान है, आई नो यहाँ सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, आई नो यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। या फ्रेंड्स, मुझे यूज करना होगा तो मैं बोलूँगी आई नो मेरे सब्सक्राइबर्स बहुत अच्छे हैं, आई नो वो मेरे वीडियो को देखना पसंद करते हैं, आई नो वो मेरे वीडियो को लाइक करना आज नहीं भूलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इनफैक्ट। इनफैक्ट का मतलब होता है असल में। तो ये भी हम लोगों ने काफ़ी सुना है। तो फ्रेंड्स, इसका जो आप जब भी इनफैक्ट यूज़ कीजिए तो उसको पॉजिटिव सेंस के रूप में यूज़ कीजिए। जैसे आप लोग बोल सकते हो कि इनफैक्ट महेंद्र सिंह धोनी एक अच्छे क्रिकेटर हैं और वो हमारी टीम को ज़रूर जिताएंगे। या आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि इनफैक्ट रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने अच्छे से अपनी शादी रचा ही ली। तो यानी इसको हमेशा भी जब भी बोलिए तो पॉजिटिव सेंस में ही बोलिए, यानी कुछ अच्छा बोलने के लिए आप इनफैक्ट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा फ्रेंड्स क्या है? नेक्स्ट वर्ड हमारा है एक्चुअली। इसका मतलब भी होता है फ्रेंड्स असल में। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग नेगेटिव सेंस यानी जब भी हमको सेंटेंस में ना नहीं बोलना होता है तब यूज करते हैं। जैसे आप बोल सकते हो एक्चुअली मैं गिर गई थी इस वजह से मैं ऑफिस नहीं पहुँच पाई, या एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी जिस वजह से मैं कॉल नहीं कर पाई, या एक्चुअली इस साल भी सलमान खान की शादी किसी कारण की वजह से नहीं हो पाई। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक्चुअली जब भी बोलना हो तो फ्रेंड्स, जब भी कोई नेगेटिव सेंस दे रहा हो तो आप लोग बोल सकते हो एक्चुअली यानी असल में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है डोंट वरी। तो फ्रेंड्स, डोंट वरी का मतलब होता है चिंता ना करो या परेशान ना हो। तो फ्रेंड्स, इसका यूज हम लोग काफ़ी अपनी डेली लाइफ में करते हैं। जैसे डोंट वरी, तुम्हारा इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर हो जाएगा। या फ्रेंड्स, हम सभी की एक कहीं ना कहीं इच्छा होती है कि हमारे पास ढेर सारा सोना हो। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास सोना नहीं होता तो हमारे पास हमारी तकिया हमसे कहती है तुम्हें सोना चाहिए, डोंट वरी मैं हूँ ना। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग डोंट वरी का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है इट्स ओके। इट्स ओके का मतलब होता है ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर किसी से छोटी मोटी गलती हो गई है और वो आपको बोल रहा है सॉरी, तो आप उसको बोल सकते हो इट्स ओके। इट्स ओके यानी ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा से मत करना। या फ्रेंड्स, आप लोग कोई चीज़ ऐसी है जो काफ़ी बुरी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी नहीं है तो भी आप बोल सकते हो इट्स ओके। तो फ्रेंड्स, इस टाइम एक बिहार का काफ़ी फेमस गाना चला है ठीक है ठीक है करके, जैसे है नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे ठीक है। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो नॉन रोटी खाएंगे जिंदगी संग ही बिताएंगे, इट्स ओके। तो फ्रेंड्स, ये एक फ़नी अंदाज है। आई होप आप लोग इट्स ओके का मतलब समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है मे बी। मे बी मीन्स होता है शायद, यानी जिसकी होने की उम्मीद हो, यानी कोई ऐसा काम जिसकी होने की संभावना हो। तो फ्रेंड्स, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हो और अपने हम उम्र के लोगों के साथ यूज कर सकते हो। जैसे मे बी इस साल मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो जाए, मे बी इस साल मैं एक बड़ा सा घर खरीदूँ, या मे बी आने वाले सालों में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट जो कि
एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी है, उन दोनों की शादी हो जाए, तो आप लोग मे बी इस तरह से यूज कर सकते हो। और आई होप आप लोग को ये काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की और पता लगाते हैं कि हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड्स परहैप्स। परहैप्स मीन्स होता है शायद। तो फ्रेंड्स ये है फॉर्मल वर्ड, यानी आप इसे अपने बॉस के साथ, आप अपने जहाँ भी वर्क करते हो उन हेड के साथ यूज कर सकते हो, वहाँ पे आप मे बी नहीं लगाते। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है, तो फ्रेंड्स ये है आई विश। इसका मतलब क्या होता है? काश। तो फ्रेंड्स हम लोग आई विश या काश तब लगाते हैं जब हम लोगों को कोई अपने मन में जो चल रही इच्छाएं होती हैं या जो हमारे सपने होते हैं जब हम लोग को दूसरे के सामने प्रकट करने होते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग आई विश या काश के माध्यम से बताते हैं। जैसे आई विश मैं देश का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, या आई विश सभी लोग सुखी रहें, या फ्रेंड्स आई विश मुझे बाहर घूमने का मौका मिले, यानी आई विश मुझे पेरिस जाने का मौका मिल जाए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोग आई विश का यूज अपनी डेली लाइफ में कर सकते हो और ये बहुत अच्छा तरीका है। तो फ्रेंड्स चलती हूँ मैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है आई होप। आई होप का मतलब होता है उम्मीद करता हूँ या उम्मीद करती हूँ या आशा करती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग इस तरह से अपनी डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हो कि आई होप सभी लोग खुश रहें, आई होप कि सभी लोग शिक्षित हो जाएं। अगर फ्रेंड्स मुझे यूज करना होगा तो मैं कुछ इस तरह से यूज करूँगी कि आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आई होप आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल रहा हो, आई होप आप लोग इसको लाइक ज़रूर करोगे और शेयर ज़रूर करोगे, और आई होप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।